गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने कक्षा 11 की केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर रहे हैं और भाग नंबर 5 की बात करेंगे। लास्ट भाग नंबर 4 था जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था कि यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना है, और उस वीडियो को देखा गया है 162 बच्चों के द्वारा, 162 व्यू हैं उसके। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया उसका जो कमेंट आया है, जैसा कि बार बार बेटा कह रहे हैं आपको कि आप वीडियो देखने के बाद उस वीडियो में पूछे गए प्रश्न का आंसर ज़रूर देवें, तो जिन बच्चों ने आंसर दिए उनके नाम बोर्ड पे लिखे हैं मैंने, किशोर, कंचन, महेंद्र, सुरेंद्र, अनीशा, प्रशांत, करमवीर, महीपाल, विकास, नरेंद्र, मनीषा, अनीता, खुशी, निकिता, मोनिका, रोहित, मोनिका कुमावत, अनिल, रीना, रविंदर, अंकित और विकास। हालांकि धीरे धीरे व्यू बढ़ रहे हैं, कमेंट बढ़ रहे हैं, बेटा पहले दिन 5 ही कमेंट थे, आज 22 हैं। तो जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का आंसर ज़रूर दें, और आपको जैसा कि मैसेज किया ही हुआ है बेटा जी, जल्द से जल्द आपके एग्ज़ाम शुरू किए जाएंगे 11 से रिलेटेड, जो पढ़ाया जाएगा उसी में से पेपर पूछा जाएगा। और आज अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस विन्यास से कुछ प्रश्न निकलेंगे, 10वीं से कुछ ऊपर जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब आपने 10वीं में विन्यास लिखा था तो एक ये चार्ट था आपके पास, याद आ रहा है कैसे? देखो लिखा था 1s, 2s, 3s, 4s, 5s। इस 2s के सामने लिख रहा हूँ मैं 2p, 3p, 4p, 5p। यहाँ लिखा है 3d, 4d, 5d। इधर 4d के सामने 4f, 5f। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए बेटा जी कि सर ये 1 क्या है, s क्या है, p क्या है, d क्या है, f क्या है। क्या होता है बेटा कि आप जानते हैं कि परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है? नाभिक। ये टॉपिक लिख के ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद साइड में तो ऐसे चार्ट बनाइएगा और दूसरी साइड में इस प्रकार से ये डायग्राम, और सिर्फ डायग्राम बनाना है। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है? नाभिक, न्यूक्लियस। नाभिक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटोन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस नाभिक के चारों ओर यूं वर्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं बेटा। इस नाभिक के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? वर्ताकार कक्षाएं। इन वर्ताकार कक्षाओं को क्या कहते हैं? कोश। क्या कहते हैं बेटा जी? कोश। ये पहला कोश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा कोश है। पहले को आप क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? KLMN। ये कैपिटल में लिखना होता है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं, इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? कोश। इस कोश के अंदर क्या पाया जाता है? कोश के अंदर क्या होता है? कई सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन नहीं, कोश के अंदर क्या है बेटा जी? उपकोश। क्या होता है? उपकोश। इस उपकोश के अंदर क्या होता है? कक्षक। क्या होता है? कक्षक। और कक्षक के अंदर क्या होते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन। कोश के अंदर उपकोश, उपकोश में कक्षक, कक्षक में इलेक्ट्रॉन। कोश, ये जो नंबर लगाए ना मैंने 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ जहाँ नंबर हैं ये 2, 3, 4, 5, ये 3, 4, 5, ये 4, 5, ये तो है कोश। और उपकोश जो आपने इनके साथ लिखा है SPDF, ये क्या होते हैं? उपकोश। सिर्फ डायग्राम बनाना है, ये वाला बनाना है, ये वाला बनाना है, ये भी अधूरा है, बताएंगे। और ये पता होना चाहिए परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं हैं, इन वर्ताकार कक्षाओं को अपने क्या कहते हैं? कोश।
कोश में उपकोश, उपकोश में कक्षक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन। आज के वीडियो का क्वेश्चन भी यहीं से मैं पूछ लेता हूं आपसे। क्या है प्रश्न आपके पास? प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पर उपस्थित होते हैं। आंसर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं? कक्षक में। किसमें है? कक्षक। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं क्योंकि आपसे फिर टाइप नहीं हो पाएगा। कक्षक को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिटल कहते हैं बेटा कक्षक को। तो क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। उपकोश को क्या कहते हैं? सब शेल इंग्लिश में। कोश को क्या कहते हैं? कोश को इंग्लिश में कहते हैं शेल, और इसी को कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, तो कहाँ उपस्थित होते हैं? ऑर्बिटल में होते हैं, ऑर्बिट में नहीं होते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे आपने देखा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? वनस में। पीछे से आना है, बैक साइड से। सबसे पहले वनस, वनस के बाद 2s, 2s के बाद फिर पीछे से आओ 2p और 2p के बाद 3s। पहले 1s, 2s, 2p, 3s, फिर पीछे से आओ 3p और उसके बाद 4s, फिर पीछे से आओ 3d, 4p, 5s, 3p, 3d, 4p, 5s, फिर पीछे से 4d, 5p, यहाँ 6s होगा। बैक साइड से आना, पहले तो ये समझ में आया, पीछे से आना है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, बैक साइड से आए। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो बेटा s है ना, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो मैक्सिमम। अधिकतम इलेक्ट्रॉन s में दो होते हैं। p में कितने होते हैं बेटा जी? 6। d में कितने होते हैं? 10। और f में कितने होते हैं? 14। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है कैल्शियम का। किसका लिखना है? कैल्शियम। परमाणु याद करने हैं आपको 30 तक। कैल्शियम कितने नंबर पर आता है? 20 पे। कितने नंबर पे आता है बेटा? 20 पे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s। पहले लिख लो यहाँ, ये 1s लिख लिया। S में कितने जा सकते हैं? दो ही जा सकते हैं, भरने तो 20 हैं, दो तो डाल दो इसमें, ये 1s। 1s के बाद बारी पीछे से आए, किसकी आ गई? 2s, ये 2s पे आ गई। S में दो ही जा सकते हैं, ये S है, ये भी S था, ये भी S है। 2s के बाद पीछे से आए, बारी किसकी आई? 2p, 2p, p में कितने जा सकते हैं? 6 डाल दीजिए, 6, 2, 8, 2, 10, 20 भरने हैं। 2p के बाद बारी किसकी आ गई? 3s की। 2p के बाद बारी किसकी आई है? अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि 2p में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए अपने? 6। 2p के बाद बारी किसकी आई है? 3s, ये रहा 3s। s में कितने जा सकते हैं? 2। फिर 3s तक आ गए, फिर पीछे से आए, 3s के बाद बारी किसकी आई? 3p। किसकी आ गई? 3p। अभी काउंट करो, 2, 2, 4, 4 और 6, 10, 10 और 2, 12, 12 और 6, 18, p में चले गए। फिर 3p के बाद बारी किसकी आई? 4s, ये 4s लिखते थे। अब भरने थे 20, भरे जा चुके हैं, 18 रह कितने गए? 2, 2 रह गए थे, वो भर दिए। अब देखो कोमा कैसे लगाना है। देखो ये एक, ये पहला कोश, ये रहा ये वाला, इसके बाद ये दूसरा, यहाँ कोमा लगाओ। ये 2s और 2p, यहाँ कोमा नहीं लगाना है क्योंकि 2s और 2p कहाँ बैठे होंगे इस लाइन में? ये दूसरा कोश है ना, यहाँ कोमा लगा दो। फिर तीसरा, यहाँ कोमा नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। यानी कि ये जो पहला कोश है जिसने आपको क्या नाम दिए आपने, कि इस के कोश में, यानी कि इस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब दूसरा, ये रहा, इस दूसरे कोश को क्या नाम दिया है आपने? L। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6, 8। ये तीसरा,
ये रहा। इस तीसरे कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, नाम क्या दिए के एल एम, कितने हैं 8। फिर चार नंबर एन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 2। बात समझ में आई। ये पहला कोश के, के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ये दूसरे में एल में कितने हैं 8, तीसरा एम में भी कितने आए हैं 8, और चौथे में कितने आए हैं 2। अब आपके लिए काम है आज होमवर्क। होमवर्क क्या है कि परमाणु क्रमांक 1 से लेके 20 तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, परमाणु क्रमांक 1 से लेके 20 तक के तत्वों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इस प्रकार से 20 का मैंने लिख दिया है, 1 से लेके 19 बच गए, वो आपने लिखना है, अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है जी। और आज के वीडियो का आपके पास प्रश्न था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित होते हैं, आंसर क्या है इसका, ऑर्बिटल। उम्मीद करता हूँ जो प्रश्न पूछा है सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे, और अधिकतर बच्चे कमेंट करें बेटा, कमेंट करेंगे तभी आपके अटेंडेंस के बारे में अपने को पता चल पाएगा, ठीक है जी। और कुछ समझ नहीं आए तो दोबारा कमेंट करके या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।